हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की जो है ना मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपीज है। सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में तिल खाना बहुत अच्छा रहता है, साथ ही गुड़ भी बहुत ही अच्छा रहता है, शरीर को गर्मी देता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आज मैं तिल और गुड़ के लड्डू लेके आई हूँ, जो कि मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट इट। एक बड़ा कटोरा के करीब जो है तिल ले लिया है, और ये कम से कम 250 ग्राम्स है। मैं नपा के लेके आई थी किराना स्टोर से, मतलब पाव भर के करीब तिल है। ये छोटे वाले सफेद तिल हैं, फ्रेश लीजिएगा। स्पेशली इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि तिल जो है ना पिछले साल के किराने वाले सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेश तिल लीजिएगा। पुराने वाले तिल में क्या स्मेल हो जाती है थोड़ी सी, तो वो मत लीजिएगा बिल्कुल भी। 50 ग्राम्स, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, इसको ड्राई रोस्ट करना है। वैसे तो आप बिना इसको रोस्ट किए भी बना सकते हो लड्डू, लेकिन रोस्ट करने से इसका जो अरोमा है, जो खुशबू है, वो रिलीज हो जाता है। तो इसलिए हम इसको मीडियम आंच पे रोस्ट करेंगे, और जलाना नहीं है, बस चटपट की हल्की सी आवाज आ जानी चाहिए तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। हल्का सा गुलाबी रंग आ जाना चाहिए इसके ऊपर। तो ये लड्डू मेरे तो फेवरेट हैं, क्यों? क्योंकि तिल जो है ना बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, और अभी सर्दियों के टाइम पे गर्म कर देता है शरीर को, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन लड्डू जो होते हैं ना, मतलब लाइक तिल के लड्डू बाजार वाले कभी कभी ऐसे मिलते हैं ना, बहुत ज्यादा सूखे और ड्राई होते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे सूखे और ड्राई नहीं बनेंगे, और दूसरा कभी कभी बहुत ज्यादा सख्त बन जाते हैं, तो वो भी नहीं होगा हमारे साथ। और प्लस इसके अंदर मैं ऐसी चीजें डालने वाली हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा, जिससे कि और ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनेंगे। तो ये है ना, इसमें से खुशबू आने लगी है अभी। अच्छा, मैं बता रही थी बाजार वाले लड्डू होते हैं ना, उनमें एक दिक्कत और ये होती है कि कोई कोई लड्डू ना बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, मतलब इतने टाइट होते हैं ना कि खाए ही नहीं जाते। तो चीनी वाले होते हैं ना बहुत ज्यादा चिपचिपे होते हैं, जिनसे दांत ही बिल्कुल ऐसा लगता है खत्म ही हो जाएंगे दांत, तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं जो कि खाने में अच्छे हों, सॉफ्ट हों, बहुत ज्यादा टाइट ना हो, और मजेदार हो और आसान हो बनाने में। तो इसमें आपको कोई चाशनी वाशनी कुछ नहीं बनानी है, बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो कोई भी आसानी से बना सकता है। और मेजरमेंट्स तो मैं बता ही रही हूँ। अब ये हो गए हैं हल्के से ब्राउन, हल्की सी खुशबू भी आ गई है, ज्यादा नहीं सेकेंगे बहुत ज्यादा, और उसका कलर ब्राउन नहीं करेंगे। इसको फटाफट से निकाल दें, क्योंकि ये अभी भी जो है ना गर्म है, और इसको निकाल लेती हूँ मैं इधर एक बर्तन में। और ये देखिए इस तरीके की, ये गर्म है काफी, इस तरीके का ये कलर हो गया है, थोड़े ब्राउन है, थोड़े डार्क कलर के हैं, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसको हल्का सा मैं फैला दूंगी, तो ये बहुत गर्म है अभी भी, तो ये और ठंडे होंगे, इनको साइड में रखेंगे। अब इसके अंदर एक दो स्पेशल चीजें मैं और डालूंगी। यहाँ पे मैंने ले ली है थोड़ी सी मूंगफली, ये देखिए थोड़ी सी मूंगफली ली है। वैसे तो पर्सनल चॉइस है, काफी लोग नहीं भी पसंद करते, बहुत थोड़ी सी ली है, आप ज्यादा भी ले सकते हो। हम रोस्ट कर लेंगे, हमारी ज्यादा नहीं सेक रहे हैं। इसको मैं इस तरीके से कूट लूंगी, इसमें निकाल लेती हूँ, ताकि इसको मैं फटाफट से कूट के और तिल में ट्रांसफर कर लूँ। तो ये मूंगफली जो है ये मैंने कूट ली है, और ज्यादा नहीं कूटना, मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है। मूंगफली भी मैंने कूट ली है, और ये जो तिल हमारे पड़े थे इसके अंदर ये मूंगफली डाल देंगे। मैंने छिलके अलग नहीं किए हैं, थोड़े बहुत छिलके रहे इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप अलग भी कर सकते हो। ये देखिए मैं इसको इस तरीके से उड़ा दूंगी ना, तो ये तिल जो छिलके है ना ये उड़ जाएंगे। बस मुझे सही लग रहा है, ये देखिए 50 ग्राम के करीब तिल था, 3 से 4 चम्मच या समझ लीजिए आधी छोटी कटोरी मूंगफली थी, और ये 200 ग्राम के करीब गुड़ है। तो गुड़ को मैं डाल दूंगी, ये छोटा छोटा काट लिया है मैंने, ध्यान रखिएगा पूरी पूरी डली मत डालिएगा, छोटा छोटा काट के डालिएगा तो अच्छा रहेगा। और काफी सारे लोग जो हैं ये लड्डू बनाते वक्त इस बात का बिल्कुल ध्यान वो रखते हैं कि भाई इसके अंदर वो पानी नहीं डालते, लेकिन मैं पानी डाल रही हूँ, इससे हमारा गुड़ जल्दी पिघलेगा और जो लड्डू है वो सॉफ्ट रहेंगे। पानी ये मैंने देखिए छोटा ग्लास लिया है, इसमें से भी थोड़ा सा मैं हटा दूंगी, आधा ग्लास समझ लीजिए, ये 2 बड़े चम्मच, 2 खाने वाले चम्मच जितना है, 3 खाने वाले चम्मच जितना है, सिर्फ इतना पानी डालना है कि गुड़ को पिघलने में आसानी हो। तो इसमें हमें चाशनी नहीं बनानी है, और गुड़ को डायरेक्ट पिघाल के और आप जो है लड्डू बनाते हो ना, तो लड्डू सख्त बनते हैं। देखिए ये मैं इसको ज्यादा नहीं पकाऊंगी, ये बस मिक्स करती जा रही हूँ स्पीड में, ताकि गुड़ जो है हमारा पिघल जाए। अब देखिए ये जो है ना ये गुड़ पिघल गया है यहाँ पे, और हम इसकी गैस को कर देंगे बंद। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये नारियल। सबसे पहले ये तो बहुत टेस्टी लगता है, मेरे को इसको भी भूनना था वैसे,
लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, पतला पतला कटा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल पतला पतला कटा हुआ नारियल है, सूखा हुआ नारियल होता है ना वो है। तो ये हम तिल में डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसके अंदर मूंगफली, तिल और नारियल डाला है और ये देखिए मिक्सचर देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है, मतलब इसके जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छे आएंगे। और इसके बाद इसके अंदर जो चाशनी है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। तो ये जाने इसको ज्यादा ठंडा नहीं होने देना है, इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच के करीब इलायची का पाउडर डालूंगी और साथ ही साथ एक बड़ा चम्मच घी डालूंगी। घी से क्या है लड्डू आपके सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको मिक्स कर लेंगे। अभी जो विंटर स्पेशल रेसिपीज हैं उनमें तो ये मेरे को बहुत पसंद आती है, तो बस इस घी को पिघलने देंगे क्योंकि ये गर्म है ऑलरेडी और गैस मैंने बंद कर दी है। बस हमें तब तक पकाना था जब तक ये जो गुड़ है हमारा पिघल जाए। ये जो गुड़ है हमारा ये डाल देंगे। और ये जाना रेसिपी बहुत स्वादिष्ट बनती है, जरूर ट्राई करना। आप क्या क्या बनाते हो मकर संक्रांति के सीजन में कमेंट करके बताइएगा, क्या क्या डिशेस बनती हैं आपकी मकर संक्रांति पे, कैसी कैसी रेसिपीज बनाते हो आप मकर संक्रांति पे, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब ये बहुत ज्यादा गर्म है तो हाथ से एकदम मिक्स नहीं करेंगे, इसको चम्मच से ही मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स कर लिया है मैंने और ये जो है ना बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनेंगे। अब इसको 2 मिनट बस रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी मेरे को ऐसा लग रहा है गर्म है, तो इसको 2 सेकंड के लिए रखेंगे और उसके बाद इसके फटाफट से लड्डू बनाने शुरू कर देंगे अपन। देख रहे हैं आप काफी गीला मिक्सचर है, आपको ऐसा लगेगा जैसे लड्डू नहीं बनेंगे इसके, लेकिन जैसे ये ठंडा होने लगेगा ना तो ये सारा जो गुड़ है ना इसको चूस लेगा ये अपने अंदर, क्या तिल है ना जो अंदर ले लेगा, तो ये एकदम से अपन इसके जो लड्डू है ना बनाने शुरू कर देंगे। हमने गुड़ का भी कम इस्तेमाल किया, प्लस हमने जो चाशनी है ना वो पक्की वाली नहीं बनाई है, तो इसके जो है लड्डू फिर बाद में दिक्कत करेंगे बनने में। तो जैसे ही ठंडा होने लगे, सख्त होने लगे, तो आप हाथ में पानी लगाइए और फटाफट से इसके जो है लड्डू बांध लीजिए। तो इस तरीके से जो है ये लड्डू आपके बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत सॉफ्ट रहते हैं और थोड़े से आपको ऐसा लगेगा कि इसको बनाने में तकलीफ होगी, लेकिन ये एक बार बनने के बाद टाइट हो जाते हैं। ये जैसे जैसे बनता जाएगा ना, ठंडा होता जाएगा, आपका जो लड्डू है बहुत आसानी से बन जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा टाइट बांधिएगा। ये देखिए ये बन गए हैं हमारे तिल और गुड़ के बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट और डिलीशियस लड्डू। ये बनाना बहुत ही आसान है जैसे कि आपने रेसिपी में देखा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। एक मैं आपको खा के बताती हूँ, बहुत टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है। छोटी छोटी साइज में बनाया है ताकि खाने में आसानी हो और ये ठंडे होने के बाद भी जो है सॉफ्ट ही रहते हैं, बहुत ही आसानी से जो है टूट जाते हैं, सख्त नहीं होते। तो ये वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।